बेसिकली फ्रेम क्या होता है यहाँ पे हम लोग अपने वेब पेज में कोई एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अलग से इंटीग्रेट करना चाहते हैं जैसे कि पी फाइल है या फिर कुछ और स्पेशल फीचर हो सकता है जैसे कि मैप ऐड करना है यूट्यूब का वीडियो ऐड करना है हमने पहले देखा भी था इसको ऐड करना तो आई फ्रेम टैग का यूज़ करके ही हम ये सारी चीज़ें अपने वेब पेज में ऐड करते हैं आई फ्रेम यहाँ पे एक तरह के प्लगइन का, का काम करता है कुछ भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो आप अपने करेंट डॉक्यूमेंट पे इंटीग्रेट करके दिखाना चाहते हैं पर्टिकुलर एरिया में तो क्योंकि ये इनलाइन टैग है इसलिए इसमें हम एक हाइट भी दे सकते हैं और जो हाइट और विद हम सेट करेंगे उतने ही एरिया में ये आएगा बाकी एरिया ये छोड़ देता है अदर टैग्स और कंटेंट के लिए तो हम बाकी एरिया यूज कर सकते हैं किसी और टैग के लिए या फिर किसी और कंटेंट के लिए तो हमने यहाँ पे जैसे कि आई फ्रेम लिया इसकी एक हाइट भी हम सेट कर सकते हैं मान लीजिए हमने थ्री की एक हाइट दे दी और इस पर ब्रिथ सेट कर दिया हमने अगेन थ्री हंड्रेड और इसके बाद एस आर सी करके हम इस पे बता सकते हैं कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें इंटीग्रेट करना चाहते हैं जैसे हम डेस्कटॉप पे देखते हैं कि हमारे पास एक पी फाइल पड़ी हुई है वी एस डॉट पी तो हम क्या करते हैं इस पर वही फाइल ऐड कर हैं वी एस डॉट पी अब इस फाइल को आप यहाँ पे सेव करिए और आउटपुट पे देख सकते हैं इसको रिफ्रेश करिएगा तो आपको ये पी फाइल देखे मिल जाएगी और इसमें डाउनलोड करने का प्रिंट करने का ऑप्शन भी बाई डिफॉल्ट आएगा इसको आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं स्क्रॉलेबल है तो बस इसी हाइट विथ में इंटीग्रेट कर दिया हमने अपनी पी फाइल को इसकी जगह कोई एच फाइल हो सकती है जैसे मान लीजिए सेंग डॉट एच टी करके कोई एक फाइल है हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इसकी जगह पे रिफ्रेश करिए देखिए वो फाइल आ गई है जो भी कंटेंट रहा होगा उस पर आ जाएगा हम इस पर कोई जेपीजी फाइल ऐड कर सकते हैं जैसे मान लीजिए एच टी डॉट जेपी तो इस फ्रेम के अंदर हम अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं देखिए रिफ्रेश हमने ये भी आ तो इसी का यूज करके हमने मैप और यूट्यूब ऐड किया था कुछ एक लेक्चर में हमने देखा था ये चीज डॉट पीडीएफ इसको ऐड कर रहे हैं इसमें कुछ और एट्रीब्यूट भी हैं जैसे कि हम इसका अलाइन सेट कर सकते हैं राइट कर देते हैं इसको एंड रिफ्रेश तो यहां से शिफ्ट होके राइट साइड पर चला जाएगा इसके अलावा आई फ्रेम को हम लोग सी एस एस यूज करके इसमें बॉर्डर या पैडिंग या मार्जिन वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। जब हम सी एस एस करेंगे तो इनलाइन टैग के बाद हमारे पास अगला जो टैग है फ्रेम में वो है फ्रेम सेट फ्रेम सेट टैग बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाने के लिए यानी ये क्या करता है ये पूरे डॉक्यूमेंट को आपके पूरे पेज को ब्लॉक लेवल बनाता है और वो भी फ्रेम में कन्वर्ट करता है तो इसके लिए फिर हमें बॉडी की नीड नहीं होती है यहाँ पे बॉडी हटा देते हैं हम क्यों क्योंकि अब डॉक्यूमेंट आपका रहा ही नहीं आपका जो मेन डॉक्यूमेंट था जो बॉडी से रिप्रेजेंट हो रहा था अब वो फ्रेम में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये जो है ये फुल डॉक्यूमेंट को फुल पेज को फ्रेम में कन्वर्ट करता है वैसे अभी इसका कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा तो हमें क्या करना होता है इस फ्रेम में अगर डिवाइडेशन करने हैं तो हम उसके लिए रोज नाम का एक एट्रीब्यूट है उसको यूज करते हैं और यहाँ पे बताते हैं इस पूरे पेज को कितने फ्रेम में डिवाइड करना है जैसे हमने कहा फिफ्टी परसेंट 50 की दो रो में इसको convert कर दो। ये करेगा। इसके इसके बाद फ्रेम नाम का एक embed है है। साथ। यानी कि कि के के अंदर इसको यूज करना है। इसमें हम SRC लगा के वैसे ही document दे सकते हैं जैसे कि अभी हमने दिया था तो हम यहाँ पेट पीडीएफ लगा सकते हैं तो आप देखेंगे अब यहाँ पे देखो ये पूरे पेज को डिवाइड कर दिया इसने फ्रेम में और ऊपर वाले पार्ट में इसने फाइल को लगा दिया हुआ है क्योंकि दो फ्रेम हमने बनाए हैं 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट के तो फर्स्ट वाले फ्रेम में इन्होंने ये लगा दिया है सेकंड फ्रेम भी हम ऐसे ही बनाएंगे लिखेंगे फ्रेम एस और यहाँ पे जो भी फाइल देना चाहें वो दे सकते हैं जैसे कि एन वन दूसरे फ्रेम में हम इस तरह से दूसरी फाइल सेट कर सकते हैं तो फुल पेज जैसे कि मैंने बताया ये भी कवर कर रहा है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक फ्रेम में कन्वर्टेड है अब इस फ्रेम में हम वर्क कर सकते हैं जो फाइल चाहे इस पर लगा सकते हैं तो अब डायरेक्ट यहां पे हमें कुछ नहीं लिखना है जैसे हम बॉडी में लिखते थे कि बॉडी को हमने एक डॉक्यूमेंट माना और इस डायरेक्ट लिख दिया तो अब हम यहां पे ऐसा कुछ नहीं करने वाले क्योंकि फ्रेम है ये तो फ्रेम के साथ डील कर रहे हैं तो अब हम कोई भी फाइल बनाएंगे उसके अंदर डेटा रखेंगे और फिर उस फाइल को यहाँ पे अटैच करेंगे इसकी हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं जैसे मान लीजिए कि पहला जो ऊपर वाला रो है 50 परसेंट उस पर हमने पीडीएफ लगा दी और नीचे वाला जो फ्रेम है उस पर अगेन हमने फ्रेम सेट लगाया ये इसकी नेस्टिंग कहलाती है फ्रेम सेट लगाया और उसको कॉल्स में डिवाइड कर दिया तो दो ही हैं कॉल्स और रोज तो कॉल्स को भी हमने 50 परसेंट कॉमा 50 परसेंट में डिवाइड किया ऐसे परसेंटेज में आप डिवाइड कर सकते हैं जैसे आपको 10 फ्रेम बनाने हैं रोज में तो 10 परसेंट टेन के 10 बना सकते हो हमने दो बनाने हैं तो हमने दो बना दिया जैसे इसको हमें फोर्टी परसेंट और सिक्सटी परसेंट करना है तो ऊपर वाला फोर्टी परसेंट हो जाएगा नीचे वाला सिक्सटी परसेंट ये देखिए इसका एरिया कम हो गया और नीचे देखिए डिवाइड हो चुका है ये फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट के कॉलम में तो अब क्योंकि नीचे वाला फ्रेम से डिवाइड कर दिया इसने पूरे फ्रेम को नीचे वाले को दो कॉलम में एक कॉलम में इसने इस फ्रेम को सेट कर दिया और दूसरे कॉलम के लिए हमें फिर से ये लेना पड़ेगा यहाँ पे आप दूसरी फाइल अटैच कर सकते हो इसके बाद आपको फ्रेम सेट एक और क्लोज करना है है ना नेस्टिंग की है हमने तो नेस्टिंग का मतलब ये वाले फ्रेम सेट को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया ये पूरा पार्ट नीचे वाले कॉल्स को हैंडल कर रहा है कॉलम्स को हैंडल कर रहा है ऊपर वाले रो में ये है और ये मेन फ्रेम है जिसको हमने यहाँ पे क्लोज किया होगा आप देखिए यहाँ पे आ, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे इधर ये आ चुकी है फाइल तो इस तरीके से हम फ्रेम्स के साथ डील कर सकते हैं फ्रेम यहाँ पे यूज करते हैं और फ्रेम सेट से रिलेटेड एक असाइनमेंट हमने करवाया हुआ है एक वीडियो में तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ उसको एक असाइनमेंट या मिनी प्रोजेक्ट समझिएगा एच का और उसमें कई सारी चीज़ें यूज की गई हैं तो उसको जरूर कर लीजिएगा असाइनमेंट समझ करके उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उस वीडियो को देखिएगा इसी फ्रेम सेट से रिलेटेड है पूरा असाइनमेंट और उसको कर लीजिएगा तो जब वो असाइनमेंट करेंगे तो ये फ्रेम्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड सी एस एस में जब हम इनको यूज करेंगे तो इनका प्रॉपर और यूज़ आपको समझ में आ जाएगा अभी ये बस एक तरह से इंट्रोड्यूस हुए हैं कि हाँ हमारे पास फ्रेम्स होते हैं और इनको हम इस तरीके से यूज करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेबल बना करके देखेंगे कॉल स्पैन रोज स्पैन इसमें भी कई तरीके के टैग होते हैं और कई अलग अलग तरीके के एडवांस टेबल होती हैं तो वो सब कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे टेबल से रिलेटेड सारे टैग्स कवर करेंगे सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर थैंक्स फॉर वॉचिंग